सो द टाइटल ऑफ द वीडियो इज इंस्टाग्राम संकट में है एपिसोड 2। ये इन्होंने एपिसोड 1 भी कर रखा है इसका, और वो आप लोगों को मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा आप लोग देख सकते हो। ऑफ कोर्स सम्राट की जो वीडियोस होती है दे आर फनी, एंड पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्लिप्स लेकर के आते हो, बट यार बहुत बहुत रिलेटेबल लगता है, क्योंकि हम लोग भी अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो हम लोग भी देखते हैं कि इसी तरह की चीज़ें उस पर हो रही हैं। सो चलिए देखते हैं एपिसोड 2 में सम्राट ने ऐसी क्या ऑब्जर्वेशंस की हैं जो कि एपिसोड 1 में नहीं थी। और ऑफकोर्स वो बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाते हैं, तो जो चीज़ वो एपिसोड 1 में नहीं डाल पाए होंगे वो उन्होंने एपिसोड 2 में डाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hey, come look at this. सही है, इसकी लाइफ है, देखो सॉर्ट कर लेगी। हम तो पहले भी इसकी लाइफ से निकल गए थे, अब भी निकल जाएंगे। प्लीज हेल्प कर दे यार। उंगली जूस का अब तो कर दे यार। अबे दो उंगली में सिलेक्ट कर। उंगली चूस कर। उंगली चूस कर भाई साहब। हाँ तो एक काम कर, तेरी बहन से गुलाटी की सेटिंग करा दे। प्यार करता बहुत। अभी मजा आएगा ना भिड़। पर अगर मैं दूसरे फिंगर चूस करती तो तेरी मम्मी से मेरी। बड़ा हरामी हो। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ इंस्टाग्राम संकट में है। पर भाई इंस्टाग्राम संकट में है का फर्स्ट पार्ट कहाँ गया? ओहो आपको फर्स्ट पार्ट नहीं मिला, सो सैड। अब वो मिलेगा भी नहीं क्योंकि यूट्यूब ने उसको सेक्सुअल कंटेंट बोलकर रिमूव कर दिया है। कोई सेंस है इस बात? अब कोई सेंस हो चाहे ना हो भैया, यूट्यूब की नजर में तो वो था। अब वो सारी क्लिप यूट्यूब पे घूम रही है, प्रमोट हो रही है, वो अलग मैटर है, परंतु मेरी वीडियो में वो क्लिप थी ना तो वो सेक्सुअल कंटेंट हो जाता है। बात को समझो तुम। वो छोड़ो, मेरी पिछली वीडियो जो अभी मैंने एक दो हफ्ते पहले डाली थी, मेले बाबू ने थाना खाया, वो चाइल्ड सेफ्टी की वजह से रिमूव कर दी। अबे उस वीडियो में चाइल्ड कौन था? आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी। क्यों पता होगा? प्यार थोड़ी करते हो तुम मुझसे। फिर तुम लोग बोलते हो कि सम्राट भाई वीडियो नहीं डालते। अबे सम्राट भाई तो वीडियो डाल रहे हैं, तुम ही लोग नहीं देख रहे हो, तो इसमें मैं क्या करूं? सम्राट भाई के पिछवाड़े में वैसे बंबू हुआ पड़ा है, मैं अपना दुखड़ा कहां जाकर रोऊं? याद है आपको मैंने आपसे इंस्टाग्राम संकट में के फर्स्ट पार्ट में बोला था कि जाके मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मुझे अपने अकाउंट पे 1 मिलियन कर रहे हैं। अबे 1 मिलियन तो छोड़ो, मैं 1 लाख भी नहीं देख पाया, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया भाई साहब। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे फेसबुक अकाउंट से लिंक था, मेरा फेसबुक अकाउंट भी गया। अब और सुनो। क्योंकि मेरा पबजी अकाउंट मेरे फेसबुक अकाउंट से लिंक था, मेरा पबजी अकाउंट भी गया। वक्त सही नहीं चल रहा है यार मेरा, वीडियोज के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, वीडियोज बिना किसी वैलिड रीजन के रिमूव कर दी जा रही है, सोशल मीडिया अकाउंट बिना मतलब के डिलीट होते जा रहे हैं। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, कोई पंगा नहीं है। बुरे वक्त की भी एक खास बात होती है कि वो भी गुजर जाता है ना, ये भी गुजर जाएगा। बाकी मैंने अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है सम्राट डायरीज के नाम से, और मैंने अपनी पिछली वीडियो उसी पे डाल दी है क्योंकि यूट्यूब वालों ने तब उड़ा दी। अगर आप लोग चाहो तो जाकर वहां देख सकते हो और मेरे नए अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। पिछले अकाउंट पे तो 1 लाख देख नहीं पाया था, इस पे पता नहीं यार देख भी पाऊंगा कि नहीं। खैर जो भी है, बोलते है ना सो मस्ट गो ऑन। तो भाई और उनकी मोहल्ले की भाभी, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भाई लोग क्या चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे गलियारे में? खुशबू नाम था उसका, बात गई चली गई। पात क्यों गई? हक्की चली जाती मुंह पे, ये क्या बात हुई बे? खुशबू थी, पात के चली गई, सपना हकीकत दिखा के चली गई, रोशनी जीवन में अंधेरा करके चली गई। अबे आजकल इंस्टा पे ऐसी वीडियो मिल रही है यार। अबे मेरा इतना बुरा वक्त चल रहा है कि मैं रात को 2 बजे अगर गूगल पे सनी लियोनी टाइप करता हूँ ना, साला ये चुचुंदर आ जाता है। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। इसकी माँ का ढोकला, अबे इसको देखूंगा क्या मैं 2 बजे? बर्बाद किया हुआ है। जब मैंने ये क्लिप को देखा ना, तो सबसे पहले पता है मेरे दिमाग में क्या चीज आई थी? अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अबे इतना कॉन्फिडेंस लोग ला कहाँ से रहे हैं? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहाँ हैं? हम न्याय करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भाई साहब अगर इंस्टाग्राम में किसी ने मट्टी पलीत करी है तो वो करिए उसके ट्रेंड्स ने, मतलब बताओ ये क्या ट्रेंड है ये? क्या हो रहा है? मैं कसम से बोल रहा हूँ अगर ये बंदा लास्ट वाली फोटो नहीं डालता ना, तो मैं कमेंट में लिंक मांगने वाला था, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी आपको सावधान इंडिया में ही दिखाई जाती। फोटो रिक्रिएट कर रहे हैं कुछ लोग, गुमराह कर रहे हैं यार ये लोगों को। अब आप इसको क्या बोलोगे? हमको मालूम है इश्क़
आए हाय, देखो तो सही इस बहन के लोमड़े को। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? लड़कियों में साफ साफ बता रहा हूँ, इस टाइप के लौंडों से कतई दूर रहा करो। इन लौंडों ने आज तक लड़कियों को गुमराह करके रखा हुआ है कि बेबी बस में ऊपर ऊपर से करूंगा, बाकी कहानी तुमको पता ही है। ये साला जो उंगली चुसा रहा है कल लन डन में टाइम क्या हो रहा है वैसे भी? इसको प्यार मत समझना आप लोग। आजकल लोगों के ख्याल प्यार के मामले में मिल नहीं रहे। भाई साहब आप बस लड़कियों से झगड़ा भर कर लो, फिर देखो उनके डायलॉग। हाँ जा, वैसे भी तेरे बहुत नखरे हैं, कौन झेलेगा? जो पेलेगा वही झेलेगा। राम 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 राम, कैसी अपमानजनक बातें कर रही है ये लौंडिया। फिर तुम लोग बोलते हो कि सम्राट भाई ठरकी, अबे मैं ठरकी हूँ? अबे जैसी हरकतें ये कर रहे हैं ना, इनके आगे तो मैं संस्कारी हो चुका हूँ भाई साहब। और मैं सच बता रहा हूँ, लड़कों से ज्यादा तो लड़कियाँ बहुत तगड़ा गेम खेल रही हैं। मतलब आपको जीवन का सच्चा ज्ञान लेना हो तो लड़कियों के पास ही जाना, क्योंकि लौंडों के ज्ञान चक्षु बंद हो चुके हैं। अरे माँ बोलती कभी शादी नहीं हो सकती मेरी। ऐसा क्यों बोली तेरी मम्मी ने? बोलती है मैं बड़ा ही नहीं हुआ अभी तक। अबे शादी करने के लिए बड़ा होना नहीं, खड़ा होना जरूरी। अबे पूरी बात सुन लो बे। अपने पैरों पर, पैरों पे खड़े होने की बात बोल रही है यार वो। तुम्हारा ध्यान तीसरी टांग पे, उस पे खड़ा होके क्या लंगड़ी खेलोगे? पता मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंस्टाग्राम चलाऊं तो मेरी आंखों के सामने ऐसी वीडियो जाए जो मेरी आंखों को सुकून दे, लाइक कुछ ऐसी। वाह क्या सीन है, डॉक्टर सेक्सी थी ना, है ना, है ना? अबे ठरकियो भाई साहब, ऐसी डॉक्टर होना तो आदमी हर हफ्ते बीमार पड़ जाए। असली मुद्दा ये नहीं है कि डॉक्टर हॉट है, ना 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 ना, मुद्दा ये है कि इंस्टाग्राम हमें दिखा कुछ और रहा है। ये क्लिप देखने के बाद देश की सारी बिल्लियों के मन में ना सिर्फ एक ही ख्याल आया होगा, अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। अब इन लड़कियों को लग रहा है कि ये बिल्ली वाली हरकत करके क्यूट लग रही है, तो भाई साहब ये इनकी सोच है। जहाँ सोच वहाँ शौचालय, ये बढ़िया था गुरु। लोग ना फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं भाई साहब, कभी कभी तो ये लोग भूल जाते हैं कि साले लौंडे हैं ये। मतलब बाल कटवाते हुए ऐसी हरकत कौन करता है यार? अबे साले ऐसी हरकत करेगा ना तो मत भूल, उस तरह उसी के हाथ में ऐसी जगह उस तरह फिराएगा ना, जिंदगी भर आ ही निकलेगी। फिर जिंदगी भर मुर्गों से ही लड़ाई करता फिर हो। क्या होगा इस देश का जब प्लेट में मुर्गा रखा होता तो ऐसे लपक के खाता है जैसे साला इतने जन्मों से भूखा हो, और वही जिंदा मुर्गा पीछे पड़ गया तो फटी डोल रही है। अबे मुर्गों से फट रही है यार इनकी। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? ये वही लौंडे भाई साहब जो इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए लौंडियों वाली हरकत करते हैं। खैर अभी इंस्टाग्राम पर एक और मनुष्यत फैली थी, वो पेट दिखाने वाला ट्रेंड। वाह क्या सीन है, मजा आ रहा है ना, है ना, है ना? अबे ठरकी हो, मुझे पता था। रुको तुम्हारा भी ब्रेकअप कराता हूँ। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हो अभी इस वीडियो को पॉज करो और अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से पूछो कि इस क्लिप में एक कप रखा था मेज पर, उसका कलर क्या है? चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। तुम कप भी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि जो लड़की है ना इसने चुटिया कर रखी है, तो अपनी चुटिया को जिस रबड़ से बांध रखा है उस रबड़ का कलर बता दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चुटिया में कहाँ ध्यान गया होगा तुम्हारा, तुम तो गहराइयों में डूबे होंगे सालों। बेटा तुम्हारा ब्रेकअप करवा के मानूंगा मैं। अपना रिलेशनशिप बचाना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा जो नया वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो कर लेना, कृपा बरस जाएगी। कभी कभी तो यार जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सारी सुंदर लड़कियां इंस्टाग्राम पर आ गई हैं। मजा आया भाई साहब, मुझे अब पता चल गया लौंडे इंस्टाग्राम पर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सारे ट्रेंड तो लड़कियों से रिलेटेड होते हैं, ऐसी हरकतें लड़के करते अच्छे भी लगेंगे। अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। फिर जब तक ये बीमारी पेट तक थी ना सब सही था, फिर अगले महीने ये बीमारी पेट से नीचे खिसक गई, उसके बाद एक और नई ट्रेंड ने जन्म ले लिया। Shut up and bend over, let your back to the talking over। भगवान है कहाँ रे तू। खैर बंद कमरों में जब तक ये ट्रेंड चल रहा था ना सब ठीक था, परंतु हद तो तब हो गई जब लोग बीच बाजार में इस ट्रेंड को करने लगे। भाई साहब इस लड़की का तो नहीं पता लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ना मैं अनकंफर्टेबल हो गया। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।